नमस्कार दोस्तों, आज बात करने वाला हूँ जीएसटी रिफंड नोटिस के बारे में। देख सकते हैं यहाँ पे मेरे पास फॉर्म जीएसटी RFD 08 के अंदर नोटिस आया है, रिजेक्शन ऑफ एप्लीकेशन फॉर रिफंड के लिए नोटिस है। मतलब रिफंड एप्लीकेशन की रिजेक्शन के लिए यहाँ पे पार्शियल रिजेक्शन किया गया है, मतलब आधा रिजेक्ट कर रहे हैं, पूरा रिफंड रिजेक्ट नहीं कर रहे हैं। दोस्तों ये केस स्टडी बहुत ही अच्छा है, इसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इस नोटिस का मैंने प्रॉपर रिप्लाई भी दिया है, दिखाता हूँ आपको। ये देख सकते हैं ये प्रॉपर रिप्लाई है, देन उसके बाद इसका ये फाइनल ऑर्डर आया है। तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इस वीडियो के अंदर, चलिए समझेंगे डिटेल में। उससे पहले बताना चाहूँगा, जो भी भाई बंधु मेरे चैनल पर पहली बार है, इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ साथ बेल आइकन पर भी क्लिक कर लीजिए, ताकि इस तरह का कॉन्टेंट आपको मिलता रहे। सो दोस्तों, ये जो रिफंड एप्लीकेशन है इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर के अंदर फाइल की गई है, जहाँ पर आउटपुट का रेट लोअर है और इनपुट का रेट हायर है। मतलब जो माल बेचते हैं उस पर 12% टैक्स देना होता है, और जो माल खरीदते हैं उस पर 18% टैक्स देना होता है। 18% कौन कौन से आइटम्स पे, जैसे कि बैकलाइट हैंडल्स हो गया, बॉक्सेस हो गए, लुब्रिकेंट ऑयल्स हो गया, यूटेंसिल्स हो गए, बहुत सारे ऐसे आइटम्स हैं, एल्युमिनियम सर्कल हो गया, तो इस पर 18% का रेट है, जिसकी वजह से मेरा यहाँ पे इन्वर्टेड का रिफंड बन रहा है इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर में। तो मैंने रिफंड बनाया और रिफंड फाइल करी, ठीक है। उसके बाद ऑफिसर ने चेक किया, और चेक करने के बाद यह नोटिस दिया है, ठीक है। यहाँ पे बोलते हैं कि जो आपने रिफंड एप्लीकेशन फाइल किया है, जिसके अंदर इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर की वजह से आपका रिफंड बना है, जहाँ पे बहुत सारे आइटम आपके 18 के हैं, जबकि फिनिश गुड जो आप बेचते हो वो आपका 12% है, ठीक है। अभी एग्जामिनेशन करने के बाद कुछ इश्यूज पाया गया है, कुछ प्रॉब्लम्स पाई गई है रिफंड एप्लीकेशन में। यहाँ बोलते हैं कि जो आपने रिफंड एप्लीकेशन फाइल करी है, उसके अंदर जो ITC शो किया है वो 43-52-091 का है, जिसमें ITC इनपुट और इनपुट सर्विस का मिला के है। इसमें इनपुट सर्विस का बोलते हैं कि भाई इनपुट सर्विस का जो ITC है वो 63,660 का है, और बाकी आपका नॉर्मल ITC है। लेकिन जब रिफंड एप्लीकेशन के हिसाब से आप जो टोटल कर रहे हैं यहाँ पे, उसमें मिसमैच आ रहा है लगभग यहाँ पे, उसकी वजह से आपका रिफंड अमाउंट घट रहा है। उसके अलावा जो आपने सेल्स दिखाई है, उस पर जो टैक्स पेबल दिखाया है, उसमें भी फ़र्क आ रहा है। जो सेल्स है और उस पर टैक्स पेबल है वो सही नहीं है, जिसके वजह से आपका जो रिफंड है, एडमिशेबल रिफंड है, हम बोलते हैं कि भाई आपका जो रिफंड है वो एडमिशेबल, वो 1/11/070 है। रिफंड की कैलकुलेशन होती है यहाँ पे, कैलकुलेशन किस हिसाब से होती है, टर्नओवर ऑफ इन्वर्टर रेट सप्लाई मल्टीप्लाई बाय नेट ITC डिवाइड बाय एडजस्टेड टोटल टर्नओवर, फिर माइनस करते हैं टैक्स पेबल ऑन इन्वर्टर रेट सप्लाई ऑफ गुड्स, और मल्टीप्लाई करते हैं नेट ITC और डिवाइड करते हैं ITC अवेलेबल इनपुट एंड इनपुट सर्विस से। इस कैलकुलेशन के बेसिस पे बोला भाई ये आपका रिफंड अमाउंट बनता है, जो टैक्स पेयर ने क्लेम किया वो माइनस करने के बाद बोलते हैं कि 94,622 का एक्सेस रिफंड है, बल्कि ये गलत है। मैंने इनके नोटिस को एग्जामिनेशन किया और बताया गलत है, क्योंकि मैंने आपको रिप्लाई दिखाता हूँ। देखो ये रिप्लाई हम लोगों ने सबमिट किया है यहाँ पे, इसका रिप्लाई के अंदर बताया है पूरी कैलकुलेशन करके कि भाई हमारी ITC ये बन गई, कैपिटल गुड्स की ITC ये हो गई, ऐड कर दिया, इनपुट सर्विस का ITC ये कर दिया, फिर कोई इनएलिजिबल ITC है वो भी ऐड कर दिया, टोटल ITC एनेक्सर बी में ये है, जिसमें से कैपिटल गुड्स का नहीं मिलता तो कैपिटल गुड्स का लेस हो गया, एलिजिबल ITC रिफंड के लिए हो गया, इसमें इनपुट और इनपुट सर्विस मिल जाएगा, ठीक है। रिफंड का रूल जो है रिवाइज हो गया, इनपुट और इनपुट सर्विस का रिफंड मिल जाता है, लेकिन कैपिटल गुड्स का नहीं मिलता, तो उसके हिसाब से मेरी जो टोटल ITC बनी वो ये बना। इसके अलावा जो सेल के ऊपर टैक्स बना वो ये बना है, देख सकते हैं ये टर्नओवर आ गई, ये नॉन इन्वर्टेड टर्नओवर और ये टोटल टर्नओवर, और उसमें से लेस कर दिया नॉन इन्वर्टेड टर्नओवर, तो जो इन्वर्टेड टर्नओवर है वो ये निकल गया, इसमें से टैक्स पेबल ही आया। लेकिन जो फॉर्मूला होता है, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग कंपटीशन ये है, जहाँ पे जो मेरा एलिजिबल रिफंड है वो ये होता है। नोट्स भी दिया है और पूरी जो रिफंड का फॉर्मूला उसको लिखा है, और साथ ही साथ कैलकुलेशन करके पूरा बताया कि भाई हमारा ये होता है, और जो टैक्स पेबल की कैलकुलेशन है वो ये बनेगी। उन्होंने नोटिस में दिया था कि भाई टैक्स पेबल की जो कैलकुलेशन है वो गलत है, आपकी टैक्स पेबल ये नहीं होगी, यहाँ पे देख सकते हो सेकंड वाले पॉइंट में। लेकिन मैंने बताया है कि उनको कि टैक्स पेबल की कैलकुलेशन कैसे की गई है, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, जो रिफंड का फॉर्मूला है, जिसकी वजह से मेरा रिफंड मैक्सिमम रिफंड 25,692 का बनता है। ये रिप्लाई दिया, अब ऑफिसर ने मेरे रिप्लाई को एग्जामिनेशन किया, उसके बाद ऑर्डर दे दिया मेरे फेवर में। मैं आपको दिखाता हूँ, ये रिफंड ऑर्डर है, देख सकते हैं ये बड़ा सा ऑर्डर का, यहाँ पे देख सकते हैं, बोलते भाई ठीक है, इन्होंने जो टोटल एडजस्टेड टर्नओवर ये दिखाया, और टोटल इन्वर्टर रेटेड टर्नओवर ये है, इस पर नेट ITC ये लिया एज पर एनेक्सर बी, क्योंकि एनेक्सर बी के हिसाब से भी मैंने पूरी कैलकुलेशन करके दिखाई थी। बोला ITC इनपुट और इनपुट सर्विस का ये बनेगा, और टैक्स पेबल ये बनेगा, जिसकी वजह से जो मैक्सिमम रिफंड बनेगा वो ये बनेगा, और टैक्स पेयर ने जो क्लेम किया वो यही किया है, तो ओके है, हम इससे सेटिस्फाइड है, और ये पूरा का पूरा रिफंड
सेक्शंस कर रहे हैं, तो ये पूरा का पूरा रिफंड मुझे मिल रहा है, मेरे फेवर में ऑर्डर पास हो गया है। ठीक है, तो देख सकते हैं यहाँ पे मैंने बताया भाई 25692 का मेरा पूरा रिफंड बनेगा, 25692 मेरे फेवर में दिया और ये पूरा रिफंड क्लेम हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि जब ऑफिसर आपकी एप्लीकेशन को एग्जामिनेशन करते हैं और उसके अंदर कुछ प्रॉब्लम बताते हैं, तो उसको बड़े ध्यान से देखना होता है और समझना होता है कि क्या आप उसका प्रॉपर रिप्लाई दे रहे हैं या नहीं दे रहे। प्रॉपर रिप्लाई के बेसिस पे ही आपका रिफंड यहाँ पे अप्रूव होता है। आप चाहे तो अगर आपके पास नोटिस आता है रिफंड के लिए, तो आप चाहे तो हमारी पेड सर्विसेज ले सकते हैं रिफंड की नोटिस के लिए, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। तो जब भी आपके पास नोटिस आए तो आपको एग्जामिनेशन करना है नोटिस को, और उसके हिसाब से जो भी आपकी वर्किंग है और वर्किंग के हिसाब से आपको रिप्लाई देना है। ध्यान रखना आपको एक फॉर्मल मैनर में, एक अंडरस्टैंडिंग मैनर के अंदर आपको रिप्लाई देना है, ताकि ऑफिसर को सही से समझ में आए और तभी आपका वो रिफंड अप्रूव करेगा। अगर ऑफिसर को कहीं भी कन्फ्यूजन होगी तो रिजेक्ट भी कर सकते हैं आपके रिफंड एप्लीकेशन को। तो दोस्तों ये था एक कमाल का कंटेंट जो मैं आपके सामने लेके आया। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।